मौजूद है आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर में। जी हाँ, यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चों ने बनाए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वर्किंग मॉडल्स, जहाँ पर हम आपको भी लेकर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरह से बच्चों ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि यहाँ पर आज लगी है एग्जीबिशन। जी हाँ, आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर देवेंद्र कुमार जी, उनसे बात करते हैं कि सर आज नन्हे नन्हे बच्चों के प्रोजेक्ट्स आपने देखे, आपको कैसे लगे और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, हमारे बच्चों ने AI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप सबको पता है आजकल की सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आ रही हैं AI से आ रही हैं, और इन प्रोजेक्ट्स को देख के मुझे छोटे छोटे बच्चों के कार्य देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, सारे इनोवेटिव हैं और इनके इनोवेटिव माइंड का एक यील्ड है बच्चों के, जो एक्चुअली ग्राउंड में फ्रुक्टिफाई होता हुआ देख रहे हैं। गुड वन। वही बात करें काशीपुर और पूरे काशीपुर इन्हीं आसपास के एरिया से भी ये बच्चे आते हैं और इस तरह से अपना जो एक टैलेंट है वो दिखाते हैं। वहीं बात करें सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे पूरे देश भर के रंग दिखाए हैं, उनको क्या कहें? सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइंस के साथ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट की अपनी वैल्यू है। यहाँ डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों ने एग्जीबिशन लगाए हैं। होम साइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूजा थाली या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। सही में बच्चों का बड़ा इनोवेटिव माइंड है, और जो दिखाई देता है कि फ्यूचर जो है ना बड़ा सेफ है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल भी बच्चों के माइंड में नए इनोवेटिव आइडियाज़ बढ़ रहा है, सभी टीचर अच्छी तरह काम कर रहे हैं। थैंक यू। सर बात करें आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर की ओर से, सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर एक डिसिप्लिन स्कूल है। यहाँ के सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि देश के डिफरेंट पार्ट्स के बच्चे रहते हैं, आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चों की, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट टाइप के माइंड से, डिफरेंट कल्चर के बच्चों से मिलता है, उनके साथ बड़ा होता है। तो एक बच्चे की छोटी डेवलपमेंट की बजाय एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। दूसरा, हमारे आर्मी के जवान जेएसओ ऑफिसर यहाँ आके लेक्चर भी देते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं, और उनको एक नेशनलिस्ट की फीलिंग भी बच्चों में हम इनकलकेट करते हैं। दैट इज़ वाई आर्मी ऑफिसर के बच्चे एक यूनिक टाइप्स के बच्चे ग्रूम होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं यहाँ से, जो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव किए हुए हैं। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना कि बच्चों ने बहुत कुछ खास बनाया है, और आपको भी दिखाएंगे किस तरह से बच्चों ने अलग अलग परफॉर्मेंसेस दी और बच्चों के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स हम आपको भी दिखाते हैं, लेकर चलते हैं एक विजिट पर जो आर्मी पब्लिक स्कूल की एग्जीबिशन में बच्चों ने बनाई है, सारी तैयारियां की हैं। तो स्कूल हेमपुर द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया गया है, ये प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों द्वारा आयोजित किया गया है। इसके अंदर हमारी जो थीम है, दैट इज AI रेनेसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी जो थीम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डाटा साइंस पे बेस्ड है, जो कि इस अभी के अपकमिंग सब्जेक्ट्स हैं। आगे आने वाला भविष्य भी AI ही होगा, तो इसीलिए बच्चों को शुरू से ही इस पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चों ने AI बेस्ड और कोडिंग पे प्रोग्रामिंग करके कई मॉडल्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो कि काफ़ी इनोवेटिव हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरह के आइडियाज़ के साथ बच्चों ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो समाज में भी अगर काफ़ी हद तक योगदान देंगे। तो एक बच्चे की सोच केवल एक स्कूल में एक मैनुअल मॉडल बनाने तक ही सीमित नहीं रखते, हम सोचते हैं कि बच्चा जो क्रिएटिविटी से जो अपने मॉडल्स बनाए, वो भविष्य में समाज को भी कोई योगदान दे पाए, तो ये हमारा बेसिक मोटिव रहता है। और बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स, जैसे कि रोवर रेप्लिका ऑफ चंद्रयान प्रज्ञान रोवर बनाया है, और एक 3D प्रिंटर जो कि आपने देखा होगा अभी, ये प्रोग्रामिंग के द्वारा बच्चों ने प्लास्टिक से 3D इमेजेस बन जाती हैं, और एक बहुत ही अच्छा मॉडल उन्होंने श्री राम मंदिर का बनाया है, और इसके द्वारा कोई भी मॉडल प्लास्टिक में आप प्रोग्रामिंग के द्वारा बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लोग इससे परिचित हैं, और वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। होलोग्राम टेक्निक और सेंसर बेस्ड मॉडल्स हैं। पहले हमारे यूजुअली आप जो एग्जीबिशंस का या मॉडल्स का जो ट्रेंड रहा करता था, वो एक मैनुअल या मैकेनिकल टाइप के मॉडल्स हुआ करते थे, बट हमारे वाले सारे मॉडल्स AI बेस्ड,
सेंसर बेस्ड, प्रोग्रामिंग बेस्ड हैं, जो कि शायद बच्चे बीटेक कंप्यूटर साइंस करेंगे तब ये सीखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें हम अभी से उनको क्लास सिक्स ऑनवर्ड सिखा रहे हैं। और यही नहीं, मतलब साइंस से रिलेटेड मॉडल्स तो हैं एआई बेस्ड, अगर आप इंग्लिश और हिंदी के लिटरेचर सेक्शन में जाएं तो वहाँ पर भी बच्चों ने ग्राफिक एनिमेशंस के थ्रू स्टोरीज डिपिक्ट करी हैं, और ये सीबीएसई की साइट्स पे भी आपको मिलेंगी। तो लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स भी इससे छूटे नहीं रहे हैं, मतलब एआई का जो प्रवेश है वो हर जगह हो चुका है। तो ये हमने उसमें भी बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा आप हमारे प्राइमरी सेक्शन में जाएंगे तो अब किताबी शिक्षा नहीं रह गई है, सभी मॉडल्स और डू इट योरसेल्फ एक्टिविटी के द्वारा सारे कंसेप्ट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। मतलब ज्ञान जो है वो किताबों तक ही सीमित नहीं है, कि ज्ञान जो है सब तरफ बिखरा हुआ है, और किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग डू इट योरसेल्फ के थ्रू बच्चे कर रहे हैं, ये मॉडल्स के थ्रू हमारे प्राइमरी वाले सेक्शन में दिखाया गया है। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि नई शिक्षा पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, हम बच्चों को साइन लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, जो कि हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे थे जिन्होंने साइन लैंग्वेजेस में डिफरेंट जो शब्द हैं उनको करके दिखाया। तो ये इस बात का भी द्योतक है कि हम बच्चों को नई शिक्षा नीति से पूरी तरह से पारंगत करा। बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बच्चे बहुत हर प्रोजेक्ट पर उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन यह है कि पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ आना चाहिए, उस हिसाब से पेरेंट्स काफ़ी कम मुझे लग रहे हैं, जो जिससे ज़्यादा आएंगे तो बच्चों को और ज़्यादा आगे करने के लिए उत्साह मिलता है उस चीज़ को लेकर। एग्जीबिशन में आके हमें बहुत अच्छा लगा है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा है। एग्जीबिशन में बहुत सी चीज़ें बच्चों को देखने के लिए हैं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है बच्चों के लिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और सभी को अगर पेरेंट्स के लिए वो बुलाया गया है तो सभी पेरेंट्स को आना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आगे, और बच्चों ने काफ़ी कुछ देखा है, सीखने के लिए मिला है। आगे अभी छोटे हैं, उन्हें भी आगे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे ऐसा कुछ सब कुछ करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये आर्मी स्कूल हेमपुर, हम पहली बार आए, हमने अपनी पोती को यहाँ पहली बार स्कूल में भेजा, सिक्स क्लास में पढ़ती है, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने ऐसे ऐसे वो बना रखे हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी कलाकारी कर रखी है, बहुत अच्छा लगा हमें स्कूल में आके। पहली बार आर्मी स्कूल में आए हम, नहीं तो हमारी पोती यहाँ पढ़ती थी तिरुमदारा सेंट जोसेफ,
फिर हमने कहा आर्मी स्कूल में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है स्कूल।